और नाश्ता कर रहे हैं बच्चे और मैं स्कूल इसलिए नहीं भेज रही कि इनकी तबीयत ठीक नहीं हो पा रही। और इब्राहिम की रात में नकसीर का भी मसला हो गया था, काफ़ी ज़्यादा इनकी नाक से खून आने लग गया था, तो मैं काफ़ी परेशान हो गई थी, इसलिए इनके स्कूल भी नहीं भेज रही मैं। और आप लोग दुआ कीजिएगा जल्दी जल्दी बच्चे ठीक हो जाए। बच्चों के जूते हमेशा स्टैंड से बाहर ही मिलेंगे, हज़ार दफ़ा इनसे मैंने कहा है कि अपने जूते जो हैं वो स्टैंड पे ऐसे रख दिया करें। आज भी हस्बैंड घर पर आ गए हैं, गए तो शूट पर थे, हुआ क्या? कैंसिल हो गए। आप लोगों को आजकल दूध में ये रेड वाला शरबत नहीं मिल रहा ना, वजह पता है क्या है? स्टमक ख़राब है। काफ़ी टाइम बाद यहाँ पर आई हूँ और आप लोगों को एक बात बताऊँ, यहाँ पर पपीतों के पत्ते भी हैं और काफ़ी ज़्यादा गेंदे वगैरह पौधे हैं, पर धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है जिसकी वजह से मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का आगाज़ कुछ इस तरह हुआ है कि मैंने बच्चों को नाश्ता वाश्ता दिया और आज भी स्कूल नहीं भेजा। इंशाल्लाह मंडे से भेजना शुरू करूँगी क्योंकि बच्चे सेट नहीं हैं। और अभी मैं उनके लिए खाना बना रही थी, लाइट से चावल बनाऊँगी फीके फीके से, और अपने लिए जो है वो सब्ज़ी फ्रिज में रखी हुई है। हस्बैंड की शूट कैंसिल हो गई है, वो भी घर पर हैं, तो वो और मैं तो सब्ज़ी खा लेंगे। बच्चों के लिए चावल बना रही हूँ। और एक बात और ये कहूँगी कि अपना अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें, वायरस फैला हुआ है बहुत ज़्यादा, तो जितना हो सके अपनी केयर करें, अपनी फैमिली की केयर करें, छोटे बच्चों का ख्याल रखें, जिनके घरों में बुज़ुर्ग हैं वो अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। और आज थोड़ी गर्मी भी ज़्यादा सी है, आज धूप बहुत तेज़ है, तो आज मैं एक रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे बाल आजकल बहुत ज़्यादा फ्रीजी से और फटे हुए दो मुँह हो रहे हैं क्योंकि मेरा बाहर जाना आना लगा हुआ था और मैंने काफ़ी टाइम से बालों की कोई केयर नहीं की। आप लोगों के साथ मैं एक ऐसी रेमेडी शेयर करती हूँ जिससे बाल बहुत सॉफ्ट सिल्की शाइन वाले हो जाएंगे, क्योंकि मुझे काफ़ी चीज़ें यूज़ करनी पड़ती है, मेरे बाल थोड़े से फ्रीजी और फटे फटे से हैं क्योंकि मैंने बीच में एक आध दफ़ा डाई भी किया था, कलर वगैरह करवाया था, स्ट्रीकिंग भी करवाई है, तो उसके बाद से मेरे बालों में ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना ख़राब से डैमेज से हो गए थे। तो इतनी ज़बरदस्त ये रेमेडी है, इतनी ज़बरदस्त सी, आप लोग यूज़ करेंगे आप लोगों को खुद पता चलेगा। तो चले मैं अपनी रेमेडी शुरू करती हूँ। बहुत आसान है, आपको बता दूँ, सिर्फ इसके लिए आपको अलसी चाहिए। अलसी कुछ इस तरह की होती है जो कि आपको नॉर्मली शॉप से बहुत आसानी से मिल जाएगी। आपने करना कुछ ऐसे है कि एक कप पानी लेना है और उसमें जो है ये अलसी डालकर पकने रख देना है पानी में। जब ये पकेगी और इसका थिक सा पेस्ट बन जाएगा, एक जेल सी बन जाएगी, तो वो जेल आपने अपने बालों में लगाना है और एक घंटे तक लगा रहने देना है। ये एक किस्म का आपके बालों का मास्क हो जाएगा और एक घंटे तक आपने इसे ऐसे ही रहने देना, उसके बाद आपने अपना सर वॉश कर लेना है। देखिए पकता जा रहा है और साथ साथ थोड़ा सा ना थिक सा पेस्ट का बनता जा रहा है। एक कप को आपने इतना पकाना है कि ये हाफ कप रह जाए। सुबह के लिए मैंने फ्राइज़ बने रख दिए हैं, साथ में चावल बना रही हूँ, ज़ीरा वाले बनाऊँगी, हल्के से लाल मोटी मिर्च साबुत डालूँगी, दूसरी मिर्चें नहीं इस्तेमाल करूँगी, ज़ीरे वाले चावल बन रहे हैं यहाँ पर। और ये मेरी जेल हो गई है तैयार, आप ये देख सकते हैं इसका कुछ ऐसा टेक्स्चर आ गया, कितना ज़बरदस्त सा एक ये जेल सी बन गई है। आप ये सोचें आपके बालों को कितना फ़ायदा देने वाली है क्योंकि इसमें ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा होता है। मेरा ये बेटा सिर्फ फ्राइज़ पर ज़िंदा है, फ्राइज ना हो तो ये फिर कुछ भी ना खाएं। ये थिक सा जेल सा बन गया था और मैंने इस वाली बाउल में निकाला है, और निकालते हुए थोड़ा सा मसला ये होता है कि इसके जो अलसी के बीज हैं वो बीच में ही जा रहे थे, तो आपने लगाते हुए एहतियात से लगाना है। बालों को मैंने ब्रश कर लिया है और बालों में से जितने भी वो गुंजलपन था, उलझे हुए थे, वो सब मैंने सुलझा दिए हैं और अब मैं इस जेल को लगाने लगी। हाथ में बहुत मुश्किल से ये जेल आ रहा है जिसे आपने ऐसे करके ऊपर से नीचे को कर करके लगाना है। ये देख लें आप, ऐसे करके इसे अच्छी तरह पूरे बालों में लगा लें। और ये बहुत ज़्यादा ओमेगा 3 है इसके अंदर और ये बालों की एक किस्म की बहुत ज़बरदस्ती ग़ज़ा है जो कि बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं इसे पूरा अप्लाई करती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अब मैंने बालों में अप्लाई कर लिया है और आपने बालों में बिल्कुल सीधा सीधा लगाने के बाल सीधे रहें क्योंकि ये जेल जब सूखता है ना तो कड़क सा हो जाएगा, क्योंकि हल्के के बाल अब जैसे सूख रहे हैं तो वो कड़क से हो रहे हैं, तो आपने सीधा सीधा करके लगाना है ताकि बालों में फ्रिजी बन ना आए, गुंजल ना हो, उलझे हुए ना रहें। और लगाकर आप बालों को ऐसे कैचर लगा लें और एक घंटे के बाद वॉश कर लें। और इसमें बहुत ज़्यादा ओमेगा 3 है बालों के लिए, कंडीशनर भी कह लो, अगर फ्रिजी बाल हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है, दो मुँह बालों के लिए, तकरीबन बालों के हर मसले के लिए ही ये बहुत ज़बरदस्त है। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से फ्रेश होकर। को नहला धुला दिया और आज भी कर दिया हमने इनको रेडी, आज ये काबू में नहीं आ रहे थे, बड़ी मुश्किल से इनको मैंने कपड़े पहनाए, खाना खाने लगे थे, बच्चों भी खा रहे हैं, हम लोग भी खा रहे हैं, बिस्मिल्लाह पड़ी आप लोगों ने। मैंने अपने बालों से सारा जेल रिमूव कर लिया है, साफ़ कर लिया है और अब मेरे बाल आप लोग देख सकते हैं, बालों में जब भी कोई चीज़ अगर आप यूज़ करते हैं और एकदम उसका वॉल्यूम सा आ जाए तो समझें वो चीज़ बहुत ज़बरदस्त है।
क्योंकि ये देखें आप एकदम सिल्की और सॉफ्ट से हो जाते हैं बालों में, एक लुक सा आने लग जाता है और आपको खुद भी फ्रेश फ्रेश फील होता है। तो ये मेरे बालों का आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत तरीके से नरम मुलायम से हो गए हैं। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप बाहर के बाज़ार के कोई भी प्रोडक्ट लेकर आते हो, एक तो वो एक्सपेंसिव बहुत होते हैं, उससे पैसा बहुत लगता है, दूसरा आप लगाने के बाद आपको नहीं पता कि वो आपके बालों के हिसाब से सूट करेगा या नहीं करेगा। तो मैं कहूँगी अगर जिस चीज़ का पता है वो तो आप यूज़ करें, और अगर जिस चीज़ का इल्म नहीं है तो कोशिश करें होम रेमेडी करने की, जो कि सबसे बेहतरीन है, चाहे वो फेस के लिए है, चाहे वो बालों के लिए है, चाहे वो आपकी अपनी हेल्थ के लिए है। कोशिश किया करें कि होम रेमेडी इस्तेमाल करें। हस्बैंड बाहर गए हुए थे, आए हैं तो मुझे लस्सी का गिलास दिया है और कह रहे हैं मैं अभी लेकर आया हूँ पी लो, और इसमें भी काफ़ी अच्छी मिलाई है। शाम हो गई है, 5 बज गए हैं और अब हमारे हो गया चाय का टाइम। ये लें आपके लिए मैं चाय ले आई। वेलकम। बच्चों ने स्कूल जाते हुए लंच बॉक्स तोड़ दिए थे, तो अभी उनके लंच बॉक्स लेने हैं, तो हम लोग लंच बॉक्स लेने जा रहे थे। साथ में एक दो और काम है वो करना है। मस्जिद में हम लोग अक्सर ही नमाज़ वगैरह पढ़ने आते हैं, जब हमें शॉपिंग करनी और लेट हो जाए तो हम यहाँ पर आके नमाज़ पढ़ लेते हैं। और ये नीचे मर्दों का जो है नमाज़ के लिए बनी हुई है, और ऊपर यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ तो ये ख़वातीन का है। मस्जिद बहुत खूबसूरत लगती है और यहाँ पर नमाज़ पढ़ के कुछ ज़्यादा ही सुकून सा आता है। लेडीज़ के लिए बना हुआ सारा, और मैं अब यहाँ पर नमाज़ पढ़ूँगी और मुझको मेरे पास बैठेंगे। नमाज पढ़ के एक सुकून सा आ जाता है, घर में भी पढ़ती हूँ पर घर में इस तरह मज़ा सुकून नहीं आता जिस तरह यहाँ पर आता है। यहाँ पर आए हैं बच्चों का लंच बॉक्स लेने, उन्होंने तोड़ दिए थे और अभी हम खरीद रहे हैं, देख रहे हैं हमें अगर कोई पसंद आ गया तो ले लेंगे। तो दोनों को ब्लू कलर पसंद है, देखते हैं दोनों में। आपने ये बॉल लेनी है? ले। अच्छा, मुझे बहुत प्यारा लगा है इसका जो चम्मच रखने का तरीका, और ये ऐसे यहाँ से ना ये देखें बहुत ज़बरदस्त लगा मुझे बैठे वाला। ये भी है, अच्छा ऑप्शंस काफ़ी ज़बरदस्त हैं। चलें पहले मैं बंद करती हूँ कैमरा, फिर देखते हैं। यहाँ पर छोटी छोटी घर की आइटम्स की चीज़ें लेनी हो, जो किचन की हो गई, घर की हो गई, स्पूंस की होगी। हाँ, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है मुझे जैसे यहाँ किचन के कितने प्यारे प्यारे, ये देखिए फ्राई पैन कितना प्यारा सा है। अच्छा ये नहीं है कि डॉलर शॉप है तो डॉलर ही की कीमत में एक ही कीमत होगी, डिफरेंट डिफरेंट है। अब यहाँ पे ये देख लो, ये ड्रेस कितनी प्यारी लग रही है, कितना प्यारा लग रहा है, ये ले दे मुझे। अब हम ऊपर वाले पोर्शन में जा रहे हैं, ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बड़ा सा बनाया हुआ है। ऊपर बर्तन बॉक्सेस भी हैं वहाँ पर, और थोड़ा डिफरेंट सामान है नीचे की निस्बत। नीचे छोटे छोटे आइटम और प्राइस ज़्यादा है, यहाँ पर बर्तन की कलेक्शन जो है ना वो ज़्यादा है। अरे कि बहुत ज़बरदस्त लगा मुझे, ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना हर वुमेन को अच्छी लगती है घर के हिसाब से। क्या लिया है? बॉल लिए। चलो देर हो रही है भैया लोगों को, उनको डॉक्टर के भी जाना है। चलो चलो चलो, चीज़ें ले ली, अब हम घर जाने लगे हैं। राधा कहीं और जाना है या हो गया काम? यार एक दो चीज़ और लेनी थी पर अपना टाइम हो गया ज़्यादा, 8 बज रहे होंगे है ना। तो इब्राहिम की दवाई लेनी है, डॉक्टर आ जाएगा फिर रश हो जाता है, और हो सकता है उसको ड्रिप वगैरह लगे या दवाई देनी हो तो टाइम लग जाएगा। खाना भी बनाना है मैंने भी, और आपने बोला है खीर बनाने का तो मैंने भी खीर भी बनानी है। तो मुझे एक बात बताओ जी, हमारी जूती का क्या हुआ? जूती पाँव थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया, मैंने फिलहाल बंद जूतों से गुजारा करना शुरू कर दिया, पर लूँगी बहुत जल्द, जहाँ पर मुझे समझ में आई ना मैंने वहाँ से लेनी है। ऐसे मुझे आदत नहीं है कोई से भी उठा लो कोई से भी ले लो, जो मुझे दिल को लगेगी अच्छी, जो पहन के मैं कंफर्टेबल लगेगी ना, उनको मैं लूँगी। चलो ठीक है, चलते हैं घर। यार कस्टर्ड फालूदा बना दिया है सेवैयों में, ये बनता है मीठे में। हस्बैंड ने तो मीठे में कहा हुआ था खीर बना दे, पर जब हम घर पर आए हैं तो 8:30 हो रहे थे, वो इब्राहिम को लेके गए हैं और कह रहे हैं कि खीर बनने में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप ऐसा करें कल बना देना। अब वो जब गए हैं इब्राहिम को लेके, तो मैंने कहा मीठा मांग रहे थे, खीर मांग रहे थे, वो अभी नहीं बन सकती तो मैं मीठे में कुछ और बना देती। तो बना दी हैं, इसे कहते हैं कस्टर्ड फालूदा सेवैयाँ, इसमें फालूदा वाली भी होती हैं, नॉर्मल सेवैयाँ भी होती हैं, और ये कस्टर्ड में बनता है और बहुत टेस्टी बहुत मज़ेदार होता है। तो अभी मेरा साथ साथ खाना बन रहा है। Okay. अपना फेवरेट कपकेक खाते हुए लगा देती हूँ फ्रीजर में, आराम से घिन लगा यहाँ पर, ये कि जल्दी ठंडा हो जाए। मैं की तरफ जा रही हूँ, वहाँ पर सिस्टर आई हुई है, तो उनकी कॉल आई है कि मैं आई हुई हूँ आप आके मिल जाओ। तो हस्बैंड जो है किसी काम से गए हुए हैं, तो मैंने कहा मैं तब तक हस्बैंड के आने तक ये कि अपनी बहन से मिलाती हूँ। तो अब मैं अम्मी की तरफ जा रही हूँ। अस्सलामुअलैकुम।
बीबी कैसी हो? पाले पाले, ये ब्रेसलेट कितना पाला पहना हुआ है। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है आजकल? किधर गायब है आजकल? मैं इधर ही हूँ, मेहमान आए हुए घर पे। नहीं, मैं 2-3 दिन से आ रही हूँ, घर पर ही नहीं होते आप। मैं कहीं मसरूफ हो गया था बहुत ज्यादा। अच्छा, ओवर टाइम था? नहीं जी, ओवर टाइम था। माशाल्लाह माशाल्लाह, कमाइयाँ हो रही हैं। बिरयानी लेके आए हम खाने के लिए, भूख लगी हुई थी। जबरदस्त मजेदार। अरे कहना क्या चाहते हो? और मामू की लाड़ियाँ हो रही हैं। किसका बेटा है ये? तो मामू का बेटा है। अल्लाह मियाँ से दुआ करो मुस्तफा, अल्लाह मियाँ मामू को भी चांद छा पारा छा बेबी दे, है ना मुस्तफा जैसा। आमीन। और जितने भी व्यूअर्स देख रहे हो उन सबसे भी कहूँगी कि मेरे भाई के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला ने जल्द से जल्द सेहत याब औलाद से नवाजे। आमीन। बीबी अम्मी के घर से आए थे और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुके हैं, 11 बज रहे हैं, खाना नहीं खाया हुआ था, तो जल्दी जल्दी से भाई हम खाना खाने लगे हैं। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि 11 बज चुके और हमने खाना नहीं खाया, और हस्बैंड आते ही लैपटॉप पर लग चुके हैं काम कर लें, और भाई जल्दी कर लें, देर हो रही है, आज काफ़ी टाइम हो गया खाना खाते खाते। वैसे नॉर्मली हम हद होगी तो 10 बजे तक खा लेते हैं। चावल भी बना दिए और साथ में सालन भी बना दिया है, आप क्या लेंगे? चावल, थोड़े से चावल और आधी रोटी। आधी रोटी। और आप क्या लेंगे? चावल। चावल लेंगे। आपको तो डॉक्टर ने ही चावलों का बोला है। क्या खाएंगे? रोटी चावल। हमने खा लिए और अब मीठे की बारी है, और अब मेरे हस्बैंड बताएंगे कि मीठा कैसा बना है। मजेदार। अब मैं मीठा खाने लगी हूँ और मैंने सोचा अपने व्लॉग को एंड कर लूँ। आखिर में यही कहूँगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और प्रेस दें बेल आइकन। आखिर में मैं यही कहूँगी, अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, और अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो उनका बहुत ख्याल रखें। और मिलती हूँ मैं आपको कल इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।